गाइस बहुत बहुत वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की कुछ पुराना टेंपल के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस पहला जो टेम्पल है वो है बृद्धेश्वरा टेम्पल। ये तमिलनाडु की तंजावियर में स्थित है। ये जो टेम्पल है राजा राजेश्वरम नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल बेसिकली लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो चोला वंश के राजा राजा राजेंद्र चोला ने 1002 एडी में बिल्ड किया था। ये जो टेम्पल है इसका हाइट 217 फीट है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इस टेम्पल में दबेडियन आर्ट का आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइन देखने को मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। गाइस सेकंड जो टेम्पल है वो है कैलाशनाथ टेम्पल। ये महाराष्ट्र की इलोरा में स्थित है। ये भी एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। इस टेम्पल को बनाया था कृष्णा वन ने 756 टू 773 एडी के बीच। ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। इस टेम्पल का हाइट जो है 107 फीट है मतलब 107 फीट है। इस टेम्पल का जो डिजाइन है बहुत ही खूबसूरत है और एक सिंगल रॉक से इसको बनाया गया है मतलब काट के बनाया गया है। इस टेम्पल को बनाने के लिए 200 दिन लगे थे और दिन में 24 आवर काम किए थे। गाइस तीसरा जो टेम्पल है ये है तुंगनाथ टेम्पल जो उत्तराखंड में स्थित है। ये टेम्पल 1000 साल से भी पुराना है और तुंगनाथ टेम्पल वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई वाला लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये टेम्पल जो है क्वाइट स्मॉल है, इसके कारण एट ए टाइम 10 पीपल को अलाउड किया जाता है यहाँ पे। और ये जो टेम्पल है सी लेवल से 3680 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। इस टेम्पल में जाने के लिए समर टाइम सबसे बेस्ट है क्योंकि बाकी के टाइम बर्फ से ढका हुआ होता है। तो गाइस नेक्स्ट जो टेम्पल है चौथा जो टेम्पल है वो है कोणार्क सन टेम्पल है। ये ओडिशा में स्थित है, ओडिशा के पुरी में स्थित है। इस टेम्पल में सूर्यदेव को पूजा जाता है। इस टेम्पल को राजा नरसिम्हा देव ने बिल्ड किया था 1250 एडी में। ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है और ये भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांचवा जो टेम्पल है वो है दिलवाड़ा टेम्पल। ये राजस्थान की माउंट आबू के पास है। ये जो टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत जैन टेम्पल है और वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल जैन टेम्पल है। टेम्पल को 1100 से 1300 के बीच बनाया गया है और इस टेम्पल को बिल्ड किया था भीमल शाह ने और डिजाइन किया था वस्तुपाला ने। ये जो टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत है और पूरा जो टेम्पल है मार्बल को यूज किया गया है। छठा जो टेम्पल है वो है पंचरत्ना टेम्पल। ये वेस्ट बंगाल की बांकुड़ा में स्थित है। बांकुड़ा की विष्णुपुर जो जगह है वहाँ पे स्थित है। ये जो टेम्पल है ये सामराई टेम्पल से भी जाना जाता है। इसको राजा रघुनाथ सिंघा ने बिल्ड किया था 1643 एडी में। इस टेम्पल में टेराकोटा की जो डिटेल डिजाइन है वो किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस अगला जो टेम्पल है वो है बादामी कार्व टेम्पल जो कर्नाटका की बादामी में स्थित है। एक हिंदू और जैन कार्व टेम्पल है जो 600 से 800 सेंचुरी के बीच बनाया गया है। ये भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक रॉक आर्किटेक्चर है जो बहुत ही खूबसूरत है और आपको जरूर जाना चाहिए। अगला जो टेम्पल है वो है भीटल टेम्पल जो कर्नाटका की हम्पी में स्थित है और ये हम्पी का सबसे खूबसूरत और पॉपुलर टेम्पल है। ये टेम्पल फेमस है इसका म्यूजिकल पिलर के कारण। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका कारण जानने के लिए दो पिलर को काट दिए गए थे और बाद में कुछ भी नहीं मिला। इस टेम्पल को बिल्ड किया था देवाराया टू ने 1422 से 1446 के बीच। यहाँ पे आपको जाने के लिए कुछ भी एंट्री फी आपको देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब अलाउड है और विजिटिंग ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स है और यहाँ पे जाने के लिए बेस्ट टाइम जो है वो नवंबर से फरवरी है। ऐसा कर तो आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक।